एनसीआर के साथ ही हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा के स्कूलों में पिछले दिनों करीबन 175 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने सभी प्राइवेट और निजी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले में चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी स्कूल बंद किए जा सकते हैं। जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय ले लेंगे। अभी 176 173 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसा नहीं है कि कोई कोरोना पॉजिटिव वहां से हुए, वो स्कूल से वो थे पीछे से, और कोई उनमें ऐसे लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब चेकअप हुआ तो चेकअप में इतने बच्चे आए, कुछ टीचर भी इसमें बड़ी संख्या में टीचर भी आए। तो ऐसे में हमने विचार किया कि अब जरूरत है कि इसको बंद कर दिया जाए, स्कूलों को अभी कुछ टाइम के लिए बंद किया जाए। जहाँ बच्चे पॉजिटिव आए वहाँ हमने 15 दिन के लिए स्कूल को बंद किया, और ये 30 नवंबर तक हमने बंद किया। तो जो जरूरत है जैसी जरूरत समझी गई उसके हिसाब से कर दिया, और अगर जरूरत कहीं ऐसी इस प्रकार की आती है तो आगे भी बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं इस पर विपक्ष पर हमला करते हुए शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप सच्चाई से परे हैं, कोई भी सरकार आंकड़े नहीं छुपा सकती। देखिए आज की तारीख में वो जमाना चला गया, वो पहले था कि जमाना के आप कोई घटना होती और उसकी सच्चाई को आप छुपा लेते। आज आप किसी बात की किसी भी सच्चाई को आप छुपा ही नहीं सकते कहीं भी, अब इतना है ही नहीं कोई। तो जो सच्चाई है वो समाज के सामने है। वैसे ही मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा कांग्रेस के पास, तो इसलिए कुछ ना कुछ उल जुलूल बातें ये कहते रहते हैं। आज के टाइम में आप को लगता है कि सच्चाई छुप सकती है? अब इतना मीडिया इतना सारा कुछ है, अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी छुपा लोगे तो आप किसी को भी जवाब देना मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिना बात की गलतफहमी पैदा करते हैं लोगों के बीच में और बहकाने का काम करते हैं। इस प्रकार का कुछ नहीं है, जो है वो सच्चाई है। और मेरा ख्याल है शायद कहीं ऐसा दुख ना रहा उन्हें कि हरियाणा ठीक ठाक चल रहा, क्योंकि हरियाणा में स्थिति भगवान की कृपा से और सरकार में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं तो ठीक है, स्थिति अच्छी है, लोग भी लगे हाथ। मंत्री ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को दिल्ली में हो रहे विभिन्न किसान संगठनों के आंदोलन को राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान में आंदोलन उचित नहीं है। तो वहीं इस पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए दोनों तीन बातें हैं। अगर तो आप कोविड की दृष्टि से देखो तो तब भी उसमें बचाव की जरूरत है, नहीं जाना चाहिए। और अगर आप बिलों की तरीके से देखो तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इन बिलों का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो किसान के दुश्मन हैं सारे के सारे। क्योंकि जिन बिलों से किसान को लाभ होने वाला है, फायदा होने वाला है, जिससे एकदम बड़ा परिवर्तन होने वाला है, पूरे देश में कहीं विरोध नहीं है उसका। कुछ मुट्ठी भर लोग हरियाणा में हैं और पंजाब में सरकार है। सरकार का प्रयास है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपना राजनीतिक लाभ के लिए करना। और यहाँ भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनके पास कोई मुद्दा था और इनको लगा था इन बिलों में कमी है तो फिर इन्होंने बहस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जब बार बार इनको टाइम दिया गया हाउस में, अभी जो सेशन बुलाया गया था, और हमने ये कहा कि जितना टाइम चाहिए उतने टाइम तक आप इस पर बहस कर सकते हो। हमने अनलिमिटेड टाइम दे दिया कि अनलिमिटेड टाइम है, आप जब तक चाहो बहस कर सको। तो बोले क्यों नहीं इस पर? अभी ये कहते रहे कि मत विभाजन करा लो इस पर। अभी मत विभाजन का मतलब क्या है, ये चाहते थे, क्योंकि मत विभाजन अगर होगा तो 100% सरकार के पक्ष में ही तो आएगी बात ना, और सरकार के पक्ष में आएगी तो ये वॉकआउट करना चाहते थे, ये छोड़ के जाना चाहते, विरोध स्वरूप बाहर निकलना चाहते थे। तो फिर आप उस पर डिस्कशन क्यों नहीं करते? अगर आपके पास कोई भी तर्क है और इन बिलों में कोई भी कमी आपको लगती है और आपको लगता है कहीं किसान विरोधी है ना, तो आप तर्क दो ना उसके बारे में। हाउस किस लिए है? हाउस इसीलिए तो डिस्कशन के लिए है, लेकिन डिस्कशन नहीं करना चाहते आप, वेल में है कि नारेबाजी करना चाहते हैं। नारेबाजी तो समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है तर्क। आप तर्क दो, लेकिन इनके पास कोई तर्क था ही नहीं।